हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रिय भक्तों, लवली कश्यप के माध्यम से आप लोगों को मैं भगवान की पावन चर्चा की तरफ ले चल रहा हूँ। सर्वप्रथम आइए बड़े प्रेम के साथ में दो बार भगवान के नाम का पावन गुणान बात करें, संकीर्तन करें और तत्पश्चात प्रभु की पावन चर्चा की तरफ आइए। हम सब मिल करके दो बार उस परमपिता परमात्मा का नाम लिया जाए और तत्पश्चात प्रभु की पावन चर्चा। एक बार जयकारा बोलें से भैया लोग। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। दो बार से भी लोग नाम लें। जीवन है तेरे हवाले, भक्त कहता है नाथ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले अरे बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मैं तो शाम तेरे मुखड़े के बंशी, मैं तो शाम तेरे मुखड़े के बंशी। चाहे जहां बजा ले ओ, चाहे जहां बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो विष्णु भगवान की। एक छोटा सा भजन ध्यान दें और तत्पश्चात प्रभु की पावन चर्चा। कबीर साहब की रचना है, लिखा है आई गवनवा की सारी, आई गवनवा की सारी उमरिया बही मोरी बारी। आई गवनवा की सारी उमर अबही मोरी बारी। आई गवनवा की सारी उमर अब ही मोरे बारे।
पिया ले आए, साजी समाज पिया ले। अरे और कहरिया चारी, और कहरिया चारी, मारे अब हे मोरी बारी, चार कहरिया चारी। बमना बेदर दी अचरा पकड़ के, बमना बेदर दी अचरा। अरे जोरत गठिया हमारी, जोरत गठिया हमारी, उम्र अब ही मोरी बारी, जोरत गठिया। कछु समझ परते ना, विधि गति बाम कछु समझ परते ना। बैरिन भई महतारी जो, बैरिन भई महतारी, उमर अब ही मोरे बारी, आई रसिया। नदिया किनारे बलम मोर रसिया। अरे दिन घूंघट पटटारी जो, दिन घूंघट पटटारी, उमर अब ही मोरी बारी, आई गावन वाके। से बोले विष्णु भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए भक्तों, अब आप लोगों को भगवान की पावन चर्चा की तरफ ले चलूं। प्रसंग उस समय का है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार वन को चले हैं, जिस समय मेरे राम जी को वन जाने का वक्त आ गया। तो प्रभु राम वनवास जाने की तैयारी करने लगे। इधर लक्ष्मण ने देखा कि मेरा भाई वन को जा रहा है। कैसे थे भाई लक्ष्मण संसार में? आज हम आप भाई भाई का स्नेह कैसा होना चाहिए, ये रामायण की कथा से हम शिक्षा लें। आजकल भाई भाई आपस में कटे मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण के अंदर भगवान राम के कैसे भैया थे लक्ष्मण जी? जिस समय राम जी को वनवास हो गया, लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं और कहने लगे, मैया मेरे भैया राम जी 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, तो मैं भी अपने भैया की सेवा करने के लिए वन को जाऊंगा, मैया मुझे आज्ञा दो। कितना सुंदर माता सुमित्रा ने भैया अपने पुत्र लक्ष्मण को दिया है, और यही उपदेश आजकल हमें अपने बालकों को देना है। क्या कहा है माता सुमित्रा ने?
भैया लक्ष्मण जाओ, अगर राम वन को जा रहे हैं तो इसका कारण कौन है? आप ही लोग हैं। अगर राम वन को जा रहे हैं तो भैया लक्ष्मण तुम्हारे ही कारण जा रहे हैं, क्योंकि लिखा है, स्वामी जी लिखते हैं कि तुम्हारे ही है तू, तुम्हारे ही है तू, राम बन जाही दूसर है तू तात कछु नाही, दूसर है तू तात कछु नाही। अरे भैया लक्ष्मण, अगर राम जी वन को जा रहे हैं तो तुम सब लोगों के कारण राम जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। और सुनो भैया लक्ष्मण, सारा सुख कहाँ है? जहाँ राम तहाँ सबुई समाजो, दिवस प्रकाश जहां भानो, जाओ भैया लक्ष्मण, जहां राम है वहां सारा समाज है, जहां सूर्य है वहीं पर प्रकाश है, इसलिए भैया लक्ष्मण तुम राम की सेवा करने के लिए अवश्य बन को जाओ। कैसी थी माता सुमित्रा? आज के समाज में अगर बड़ा भाई कहीं जा रहा है, अगर भक्तों दूसरा भाई कहता कि हम भैया की सेवा करने के लिए जाएंगे, तो कैसा भाव है हमारी माताओं बहनों का, रोक देती हैं। अच्छे शुभ कर्म करने के लिए अगर आदमी जा रहा है तो मेरे बंधु उसमें अड़चन आ जाती है, रोक देती हैं। लेकिन बारे सुमित्रा कैसा भाव है माँ का, आज राम जी वन को जा रहे हैं तो अपने पुत्र लक्ष्मण से कह रहे भैया जहां राम है वहां सारा समाज है। लक्ष्मण भी तैयार हो गए बन जाने के लिए। जब लक्ष्मण तैयार हो गए तो सीता ने देखा। अब थोड़ा सा चरित्र जगत जननी माँ सीता की तरफ डालें। जब राम लक्ष्मण वन को तैयार हो गए तो माता सीता जो है अपनी सास कौशल्या के पास गई और कहने लगी मैया अब हमें भी आदेश दे दो, मुझे भी आज्ञा दे दो, मैं भी अपने पति के साथ वन को जाऊंगी। क्योंकि नारी के लिए कहा गया है सब सुख हो, अगर संसार में नारी का पति नहीं है तो उसके लिए दुनिया में सारे सुख बेकार हैं। स्वामी जी के मतानुसार लिखा है अरे जिया बिनु दे न देवी न बारी, जिया बिनु दे न देवी न बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे ही नाथ जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है,
बिना जीव के ये शरीर नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से नारी जो है पुरुष के बिना बेकार है। इसलिए आज सीता जो है आज अपने स्वामी राम जी से प्रार्थना करती हैं, कर जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मेरी बात सुनो। भैया लोग एक पद गाया करते हैं, आज उसी प्रकार से सीता कह रही, क्या स्वामी? क्या कहती हैं? कहते सिया स्वामी हम हूँ चलेंगे, कहते सिया स्वामी हम हूँ चलेंगे, आज सीता जी करी भगवान से, प्रभु हम हूँ चलेंगे, हम हूँ चलेंगी, कहते सिया कहते सिया स्वामी हम हूँ चलेंगे, कहते सिया स्वामी, जो क्या कहने लगी, स्वामी जो तुम नाथ संग नाले चली हो, जो तुम नाथ संग नाले चली हो, तो हम सरजू मां, हम सरजू कहते सिया, कहते सिया स्वामी हम हूँ चलेंगे, कहते सिया स्वामी, जाओ भैया। और सुनो प्रभु, अगर तुम चले गए, हमें साथ न ले गए प्रभु, तो जो श्रृंगार है, श्रृंगार तो पति पर किया जाता है नाथ, हार हमेल और नकुभेसर, हार हमेल और नकुभेसर, यह श्रृंगार लई, यह श्रृंगार हम का करेंगे, कहते सिया, कहते सिया स्वामी हम हो चलेंगे, कहते सिया स्वामी, और सुनो क्या करने चलूंगी स्वामी तुम्हारे संग, पैदल अगर जब जंगल में रहोगे, चापू चरण करुणित सेवा, चापू चरण चापू चरण करुणित सेवा, निज जीवन हम सफल हम करेंगे, कहते सिया, जहो कहते सिया स्वामी हम हो चलेंगे, कहते सिया स्वामी, जय जय। आज सीता जी इस प्रकार से अपने प्रभु से कह रहे हैं, स्वामी आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी अपने मैं भी तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी। भगवान राम ने समझाया, देखो सीता, आदमी तो जंगल में रह सकता है, लेकिन नारी जंगल में नहीं रह सकती है।
क्योंकि नारी का शरीर कोमल होता है। पुरुष तो जंगल में रह सकता है लेकिन नारी का शरीर कोमल होता है, वो जंगल में कैसे रह सकती, मत जाओ। लेकिन नारी का हट भक्तों आप जानते हैं। सीता बोले प्रभु चाहे कुछ कहो लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी जरूर, जाऊंगी जरूर चाहे कुछ हो जाए। भक्तों जब सीता ने बहुत हट कर दिया, बहुत कहा कि प्रभु मैं जरूर चलूंगी, तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ पहले अपने अपनी माता कौशल्या से कहा जाओ, अपनी माँ से पहले आज्ञा ले लो। तो सीता कौशल्या के पास गई, एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं मात्र एक लाइन। आज सीता जो है माता कौशल्या के पास गई, अपनी सास के पास, और कहने लगी माँ ए मैया मुझे प्रेम से आज्ञा दे दो मैं भी अपने पति के संग वन को जाऊंगी। क्या कहा है सीता जी ने, कहा है क्या माँ, आप लोगों ने सुना होगा मेरे द्वारा, क्या करें सीता, रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहेब, रघुबर संग अरे रघुबर संग जाब मैया अवध ना कौशल्या बेटी तुम कैसे जाओगी मेरे राम, तो रथ पर बैठ के जाएंगे तुमको नहीं ले जाएंगे। तो सीता बोली मैया जो मोरे रघुबर रथ चढ़ी गई है, रघुबर रथ चढ़ी गई है सौ रथ चढ़े, जो मोरे रघुबर रथ चढ़ी गई है तो मैया हम पैदर चले, पैदर चले जाब मैया अवध ना रहेब, पैदर चले रघुबर संग जाब मैया अवध ना। कहने लगी मैया चाहे कुछ हो जाए मैं पैदल चली जाऊंगी लेकिन बिना पति के मैं अयोध्या में नहीं रह सकती हूं। तो आज सीता भी तैयार हो गई भक्तों, राम लक्ष्मण सीता आज वन के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, आज तीनों जब तैयार हो गए अपने पिता दशरथ के पास में गए हैं राम जी, कहने लगे पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, हमको माताजी ने वनवास दिया है, मैं 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूं और 14 वर्ष के बाद इसमें अयोध्या को आऊंगा। महाराज दशरथ जैसे इतने शब्द सुनते हैं, मेरे भक्तों आप जानते हैं संसार में पुत्र वियोग से बड़ा कोई वियोग नहीं। महाराज दशरथ जब इतना सुनते हैं कि राम नहीं मानेंगे, सुमंत्र मंत्री को बुलाया, कहा भैया मंत्री जाओ मेरे राम को रथ में बिठा करके कुछ दूर जंगल में घुमा लाओ और उसके बाद वापस अयोध्या को लिए चले आओ, आगे जाने न पामे। भक्तों आज राम लक्ष्मण सीता तीनों सुमंत्र के रथ पर सवार होते हैं और वन को निकल पड़े, निकल पड़े। भक्तों जिसमें राम जी अयोध्या से निकले हैं अयोध्या की दशा क्या है, अरे बच्चे कहते थे चीख चीख,
बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बच्चे कहते थे रो रो कर हा राम बिना आराम कहाँ, बूढ़े आज अयोध्या की वो दशा है, बालक वृद्ध नर नारी सभी सब रोने लगे जिस समय मेरे राम लक्ष्मण सीता चले हैं वनवास के लिए। आज मेरे भक्तों अयोध्या में मातम छा गया, शोक छा गया, नर नारी वृद्ध सभी सब परेशान हैं। राम के बिना आज अयोध्या सूनी हो रही है। कैसा था समाज देखो, आज के समाज में अगर घर से कोई प्राणी अगर जाता है तो लोग अच्छा मानते हैं कि चलो चला गया अच्छा है, लेकिन मेरे राम जी जिस समय वन को चले आज सारी अयोध्या बिलख रही। आज इंसानों की बात छोड़ दो, इंसानों की बात छोड़ दो, आज पशु पक्षी की क्या दशा है। जिस समय राम जी चले हैं वन को, समंदर के द्वारा निकल चुके हैं, और इधर राम जी जब वन को चले हैं छठी रात्रि है, छठी रात्रि है राम जी की वनवास को घर से निकले। इधर अयोध्या में माता कौशल्या बहुत परेशान है। क्यों ना परेशान हो, अरे जिसका लड़का कहीं घर से बाहर चला जाए, बाहर चला जाए तो ये तो आप जानते हैं पिता से ज्यादा ममता माँ की होती है। अरे पिता की ममता माना पिता की ममता है, लेकिन जो ममता माँ की है वो पिता की कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ क्या करती है अपने पुत्र के साथ। जिस समय बच्चा 9 मास गर्भ में होता है, 9 मास गर्भ में होता है, माँ क्या करती है, अपने प्राण नहीं देखती है, बच्चे को प्राप्त करने के लिए, संसार में नाम प्राप्त करने के लिए अपने प्राण नहीं देखती है, पुत्र को चाहती है, क्या करती है। अरे माँ तू उतर नौ मास झुलावे, माँ तू उतर नौ मास झुलावे, प्रसव समय दुख कहा न जावे, प्रसव समय बच्चे को मां अपने गर्भ में झुलाती है, और जिस समय जन्म होता है वो दुख कहां नहीं जाता है मेरे भक्तों। आज वही ममता जिस समय राम लक्ष्मण सीता वन को चले हैं, मैया कौशल्या रोने लगी, 6 दिन हो रहे हैं, क्या कहती है, बड़ा प्यारा भजन है भैया लोग कहते हैं, क्या कह रही माता कौशल्या, रो रही, कहती क्या है, कैसे को धरो मन धीरा, हाय कैसे को धरो मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चले गए, कैसे को धरो मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चले गए। चले गए दोनों बीरा चले गए,
चले गए कैसे धर्म नीरा आज कौशल्या करी अरे राम लखन सिया बन को सिधारे राम लखन सिया बन को अरे धरे के भेष फकीरा धरे के भेष फकीरा हमारे दोनों हीरा चले गए कैसे धरो मन धीरा माता अच्छा भगवान राम जिस समय वन को चले हैं तो साधु सन्यासी का भेष क्यों धारण किया राम जी जब वन को चले हैं तो सन्यासी का भेष क्यों धारण किया देखो माता कैकेयी ने वरदान दिया राम जी को क्या कि राम जी वन को जाएं तो कैसे जाएं कैकेयी का वरदान है कि राम जी वन को जाएं तो कैसे जाएं कि 14 बरस राम बन जाएं कंदमूल फल बन फल खाएं माता कैकेयी का वरदान है कि राम जी 14 वर्ष वन को जाएं और भोजन नहीं कर सकते हैं क्या खा सकते हैं कंद मूल फल ये खा सकते हैं भोजन नहीं कर सकते हैं और जाएं तो कैसे जाएं आप लोगों ने पढ़ा होगा मानस में राम जी वन को जाएं तो कैसे जाएं कैसे जाएं तापस भेष बिसेखी उदासी राम जी अगर वन को जाएं तो कैसे जाएं तापस भेष यानी तपस्वियों का भेष बना करके राम जी जंगल में समय बिताएं तापस भेष विशेख उदासी और पंथ कैसा उदासी तापस भेष विशेख उदासी 14 बरस राम वनवासी ये माता कैकेयी का वरदान है तो आज वही कौशल्या कह रही क्या मेरे राम जी आज वन को गए हैं राम के बिना अयोध्या में क्या दशा है अरे पशु पक्षी सब ऐसे बिकल हैं पशु पक्षी सब ऐसे बिकल हैं पिए ना सरजू नीरा पिए ना सरजू नीरा हमारे दोनों हीरा चले गए कैसे धरू मनु धीरा जो और राम जी अरे आज वो दशा अयोध्या की कौशल्या कह रही पथकंटक बन मार्ग कठिन है पथकंटक बन मार्ग ऊपर से आतब तपति शरीरा
तब तपति शरीरा हमारे दोनों हीरा चले गए कैसे धरो मनु धीरा कौशल्या करी जियत भी होगी अवध की आशा जियत भी होगी अवध करी आशा तन रखें रघुबीरा तन रखें रघुबीरा हमारे दोनों हीरा चले रे कौशल्या इस प्रकार से मेरे बंधु आज बिलख रही है परेशान हो रही है कि मेरे राम जी आज वन को गए देखो कैसी क्या अवस्था में होंगे बहुत परेशान हैं। और इधर मेरे राम जी राम लक्ष्मण सीता तीनों आ रहे हैं वनवास को आ रहे हैं जंगल में आ रहे हैं। आज देखो भगवान का देख शरीर देख करके जिन परमात्मा का शरीर दे करके राम लक्ष्मण सीता को दे करके स्वामी जी लिखते हैं कि जिन्हें निरखी मागे सांपिन बीछी जही विषम विष तामस तीछे जिन्हें रखे मग साप मेरे बंधु लिखा है स्वामी जी ने जिन्हें निरख मग सांपिन बीछी और तजहि विषम विष तामस तीछी। अरे जिन भगवान को देख करके बड़े बड़े सर्प और बिच्छू अपने जहर त्याग देते हैं ऐसे भक्तवत्सल भगवान मेरे राम वनवास को जा रहे हैं वन को जा रहे हैं बड़े बड़े सर्प बिच्छू। एक बात आपको बता दें मेरे राम जी जिस समय वन को जा रहे थे रास्ते में सर्प एक सर्पणी बैठी थी और एक बिच्छू बैठी थी। सर्पणी ने बिच्छू से कहा बहना देख कितने लोग जा रहे हैं दो लड़कों के पीछे सारी दुनिया भागती जा रही देखो कौन है। बिच्छू ने कहा बहन मुझे लगता है ये परमात्मा है इसीलिए दुनिया इनके पीछे भागती जा रही है। अब सर्पणी ने कहा बहन दुनिया जब भगवान के पीछे पड़ी है और हम तुम यहां पर बिल में बैठे कितने अभागे हम तुम जीव जंतु ऐसे हैं कि भगवान के दर्शन नहीं कर सकते जिन भगवान का दर्शन पाने के लिए दुनिया पीछे भागती जा रही। सर्पणी ने कहा कैसे भगवान के दर्शन किए जाएं। अब सर्पणी और बिच्छू ने प्रण कर लिया कि दुनिया अगर भगवान के पीछे दौड़ रही तो हम तुम भी दर्शन करेंगे। सर्प और बिच्छू की भावना देखो लेकिन सर्पड़ी कहने लगी कैसे जाऊं बहना बिच्छू मेरे तो विषधर दांत हैं कहीं भगवान के पैर अगर हमारे ऊपर पड़ गए जरा सा लग गए तो हम तो विषैले जीव हैं फौरन डस खाएंगे। बिच्छू बोली बहन यही दशा तो मेरे में है हमारे में भी विषैला डंक है अगर कहीं का जरा सा पैर कुछ लग गया तो मैं बख्शते नहीं हूं फौरन डंक मारती हूं इसलिए अगर दर्शन किया जाए भगवान के तो सर्पणी और बिच्छू ने प्रण किया। सर्पणी ने अपने दांत तोड़े और बिच्छू ने अपना डंक तोड़ा और जाकर के आगे मेरे राम लक्ष्मण सीता के तीनों दर्शन करते हैं। तभी तुलसी बाबा ने रामायण में लिख डाला क्या
जिनई ने रखी मग सांप ने बीची, बड़ी सुंदर चौपाई स्वामी जी लिखते हैं, जिन्हें ने रखी मग सांप ने बीची, तजहीं विषम विष तामस तीची, इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख डाला है कि जिन भगवान के दर्शन पाने से बड़े बड़े सांप और बिच्छू अपना जहर त्याग देते हैं, अरे मूढ़ मानो तू कैसा बना बैठा है कि जो भगवान का नाम तू, अरे दर्शन तो दर्शन, तो प्रभु का नाम बोलना नहीं जानता है। आज मेरे राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को आए हैं। एक बात और समझें, कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? 10 वर्ष का दे सकती थी, 5 वर्ष का दे सकती थी, 6 वर्ष का वनवास राम को भेज सकती थी, लेकिन बात यह है कि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? बड़ा प्यारा भाव है। भगवान शंकर से माता पार्वती प्रश्न करती, नाथ पार्वती बोली हर साई, भोले बाबा से भवानी कहने लगी, नाथ पार्वती बोली हर साई, शंका नाथ बहुरी हुई आई, पार्वती कहने लगी, नाथ हम एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, ये बताओ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? 5 वर्ष का दे सकती थी, 2 साल का दे सकती थी, 10 साल का वनवास दे सकती थी, लेकिन 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी, तुम नहीं जानती हो, कैकेयी सरस्वती के वश में, 14 वर्ष का वनवास क्यों दे रही है? देखो उधर लंका में, उमर दशानन की रही, लंका में राजा रावण की आयु जो है शेष कितनी रह गई है? उमर दशानन की रही, बरस चतुर दस शेष, इसीलिए अरे बरस चतुर दस कैकेयी कहत शारदा लेश, बरस चतुर दस कैकेयी उधर लंका में राजा रावण की आयु जो है मात्र 14 वर्ष बाकी है, मात्र 14 वर्ष बाकी रह गई है, इसीलिए कह के सरस्वती के वशीभूत है, इसीलिए राम जी को आज 14 वर्ष का वनवास दे रही है। आज राम जी राम लक्ष्मण सीता सुमंत्र के रथ पर बैठ करके आज कहां पर आए हैं? अयोध्या से निकल पड़े, सारा समाज राम जी के पीछे जा रहा है, बाल वृद्ध नर नारी सभी समाज रोते बिलखते जा रहे हैं, और इधर राम जी कहते हैं, भैया कहते हैं, अये लोगों सुन मातारी सुन बहनारी, मेरे कर्म लिखा बनवास रे, अब कौन है मेटन रे हारा, सुन माता सुन मातारी सुन बहनारी, मेरे कर्म लिखा बनवास रे, अब कौन
मेरे भक्तों, आज मेरे राम कहने लगे जाओ नगर निवासियों, अब तुम लौट जाओ, मेरे किस्मत में ही ये जो है दुख लिखा है। तो शरीर पर इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन दुख सब पर आता है, एक दिन दुख सब पर आता है। और एक बात बता दें, जीवन में मनुष्य को दो ही बार दुख मिलता है, एक अगर देखा जाए तो एक ही बार दुख और एक ही बार सुख। भगवान के द्वारा आज भगवान के ऊपर दुख पड़ा, देखो दुख आया है। और जब दुख आता है शरीर पर तो घबराना नहीं चाहिए, उसको निपटना चाहिए। और वैसे ये संसार क्या है, दुखों का जीवन जो है दुखों का घर है। इस शरीर पर दुख है, शरीर पर सुख है। आज मेरे राम लक्ष्मण सीता तीनों जो है सुमंत के रथ पर बैठ करके कहां पहुंचते हैं, तमसा नदी के किनारे। तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं, रात्रि हो गई, विश्राम किया। आज सुमंत्र राम लक्ष्मण सीता तीनों सोने लगे, सुमंत्र भी सोने लगे। राम जी क्या विचार करते हैं, भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण चलो अब मौका सुंदर है, ऐसा मौका पा करके अब यहां से सुमंत्र को सोते ही छोड़ करके यहां से निकल चला जाए। आज सुमंत्र को रात्रि में सोते ही छोड़ करके राम लक्ष्मण सीता तीनों अगारी बढ़ते हैं। और इधर सुमंत्र खाली रथ लेकर के आज अयोध्या को वापस आते हैं। महाराज दशरथ से जब सारा हाल बताया है, जब सारा हाल बताया है तो महाराज दशरथ मूर्छित होकर के आज पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। मेरे बंधुओं, छठी रात्रि है आज जिसमें राम जी वन को चले गए हैं, जिसमें महाराज दशरथ ने सुना मेरे राम सुमंत्र को छोड़ करके सोते ही छोड़ करके कहां चले गए न जाने। तो आज महाराज दशरथ पृथ्वी पर बिलखने लगे, रो रहे हैं। भक्तों, मैंने पहले बताया संसार में पुत्र वियोग से बड़ा कोई वियोग नहीं, कोई वियोग नहीं है। मेरे भक्तों, दो ही बार दुख आता है, दो ही बार भगवान दुख देता है, एक तो जन्म लेते समय, एक प्राण निकलते समय। किसी कवि ने कहा है, कबीर साहब का बड़ा प्यारा भाव है, दो ही बार लोग इकट्ठा होते हैं, एक तो जन्म के समय, एक अंत चलते समय। तो कबीर साहब की रचना है, भक्तों दुनिया साथ में है लेकिन कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं है। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब
ये हमारा परिवार है कहां तक साथ देता है। राम जी पर आज आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब सब दोस्त हैं अपने मतलब के, जय हो, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने विचार करो भैया। सुल्तान जहां मासूख जहां सुने हैं पड़े मर घट उनके, सुने हैं पड़े मर घट, जहां चाहने वाले लाखों थे, जहां चाहने वाले लाखों थे, बतलाने वाला कोई नहीं, जहां ए भाई बंधु लोग साथी, ए मेरी माताओं बहनों भैया लोगों, ए ए भाई बंधु लोग साथी, देखो ये सब मतलबी आ रहे हैं, ए भाई बंधु लोग साथी, जो देखते हो अपने अपने, जो देखते हो इस जग के भीतर धर्म सिवा, इस जग के भीतर धर्म सिवा, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, इस जग के आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, आराम व्यास जी भी यही बात कहते हैं। 18 प्राणों में भी लिखा है कि भैया संसार में सुख दुख है क्या है। आज मेरे राम जी पैदल जा रहे हैं वन को, चलते चलते मेरे राम आज मेरे बंधु कहां पहुंचते हैं। आज सुमंत्र के द्वारा रथ को से रात में सोते छोड़ करके आज भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों गंगा पर पहुंचते हैं, गंगा नदी पर आए हैं। आज तीनों जो है गंगा नदी पर खड़े हैं, राम लक्ष्मण सीता और मेरे बंधु। बड़ी सुंदर चौपाई आप लोगों ने सुना होगा, एक पद भी बड़ा प्यारा है, भैया लोग गाते हैं। गंगा नदी पर राम लक्ष्मण सीता तीनों खड़े हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान, सुर सरी तीर अर खड़े दोनों भाई, सुर सरी तीर सरतीर, सुर सरतीर खड़े
सर। ये प्रसंग जो आप सुन रहे हैं लवली कैसेट के द्वारा आप सुन रहे हैं, और मैं अपने विषय में बता दूं, मेरा नाम श्री सुरेंद्र सिंह यादव उर्फ प्रवीण जी, निवास स्थान ग्राम बबरीपुर सिधौली सीतापुर के माध्यम से, साथ में जो हमारे साथीगण सहयोग दे रहे हैं, ढोलक पर मास्टर रमेश सिंह यादव जी निवास स्थान सीतापुर मटेरा, और झीका पर हमारे साथी छुन्ना यादव, मंजीरा पर राहुल यादव, और हमारे साथ जो साथ निभा रहे हैं साथी सुरेश प्रकाश यादव जी, ये सभी साथीगण हमारा साथ दे रहे हैं। तो एक बार हम क्या बता रहे हैं, भगवान कहाँ पहुंचे हैं, आज गंगा नदी पर खड़े केवट से नाव मांग रहे हैं। मेरे बंधु राम वनवास का ये प्यारा प्रसंग आप लोग लवली कैसेट के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। दो बार भगवान का नाम लीजिए, जरा विचार करें, भगवान गंगा पर खड़े हैं ना, क्या कह रहे हैं जरा सोचो। सुर सर तीर खड़े दोनों भाई, सुर सर तीर क्या करे भगवान, के बाट के बाट राम पुकारई, सुन ले वो मेरे भाई हो, मेरे संग में जनक दुलारी, ओ भैया मेरे संग में जनक दुलारी, और सहोदर भाई सुर सर तीर खड़े दोनों भाई, सुर सर तीर लक्ष्मण सीता आज अयोध्या से निकल करके आज तमसा नदी पर मेरे बंधु होते हुए सुमंत्र को छोड़ करके राम लक्ष्मण सीता आज गंगा नदी पर खड़े हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। मेरे भक्तों, इस संसार में सभी एक दिन मुसीबत उठाते हैं, और दुनिया में मेरे बंधु ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ये दुख आया न हो। ये जीवन दुखों सुखों का घर है, जीवन दुख सुख का घर है। आज मेरे राम लक्ष्मण सीता तीनों सन्यासी भेष में आज मेरे बंधु गंगा नदी पर खड़े केवट से नाव मांग रहे हैं। प्यारी चौपाई आप लोगों ने सुनी होगी भैया लोगों के द्वारा, और ये चौपाई बच्चा बच्चा जानता है। भगवान गंगा नदी पर खड़े हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं, क्या कहते हैं भैया, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, भगवान आज गंगा नदी पर खड़े हैं, केवट से आज नाव मांग रहे हैं। केवट नाव नहीं लाता है, और भगवान से कहता, प्रभु मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। मेरे बंधु, भगवान का मर्म केवट क्या जानता है मेरे भक्तों? अरे भगवान का मर्म कोई वो इंसान जाने? अरे जिन भगवान का मर्म मेरे बंधु किसने नहीं जाना, जिन भगवान का मर्म किसने नहीं जान पाया। कौशल्याय हो मरम न भाखा,
का मर्म कौशल्याय हो मरम न भाखा जिन नौ मास गर्भ में राखा कौशल्याय हो मरम न अरे जिन भगवान का मर्म मैया कौशल्या ने नहीं जाना और जिन भगवान का मर्म अरे दशरथ मरम जानी जो पौते अरे जिन भगवान का मर्म महाराज दशरथ अगर जान जाते दशरथ मरम जानी जो पौते काहे राम ही बन ही पठौते काहे मर्म महाराज दशरथ अगर जान पाते तो मेरे राम को वनवास क्यों भेजते और मर्म भगवान का किसने नहीं जाना भैया लक्ष्मण हर समय भगवान राम के साथ रहे हर समय भगवान राम के साथ रहे लेकिन जिस समय सीता हरण हुआ है भगवान राम ने भैया लक्ष्मण को पुष्प लेने भेज दिया तो यहां पर बड़ी सुंदर चौपाई स्वामी जी ने लिखा है अरे लक्ष्मण हूँ यहो मरम न जाना लक्ष्मण हूँ यहो मरम न जाना जो कछु चरित रचो भगवाना लक्ष्मण भगवान का मर्म भैया लक्ष्मण नहीं जान पाए आज उसी मर्म को आज केवट एक मल्लाह गुड़िया वो भगवान से कह रहा प्रभु मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं तू भगवान का मर्म केवट क्या जानता है भक्तों भगवान का मर्म एक केवट गुड़िया वो कह रहा हम तुम्हारा सारा भेद जानते हैं ये मर्म क्या जानता है सभी भक्त जानते हैं आज भगवान गंगा नदी पर खड़े हैं केवट से नाव मांग रहे हैं केवट नाव नहीं ला रहा है और ऊपर से कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं भक्तों केवट भगवान का मर्म क्या जानता है आओ थोड़ा सा भाव हम बातों बातों में बता रहे हैं ये केवट कौन है ये केवट है कौन जरा विचार करें भगवान बनमास को जा रहे हैं केवट कौन है गंगा नदी पर खड़े हैं राम लक्ष्मण सीता ये केवट कौन है आप सभी जानते पूर्व जन्म में जरा केवट के तीसरे जन्म पर ध्यान दें पहले जन्म में केवट एक राजा था ये साधु संतों को बहुत प्रेम करता था बड़ा सेवक था एक दिन की बात है ये राजा नदी में अपने पुत्र को स्नान करा रहा था उधर से दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि आए इस राजा ने जैसे दुर्वासा ऋषि को देखा तो अपना मुख मोड़ लिया दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी संत जब राजा को देखा इतना साधु संतों का प्रेमी और हमको देख करके मुख मोड़ लिया है फौरन श्राप दे दिया जा रे राजा तू मुझे देख करके कछुए के समान मुख सिकोड़ रहा है तो अगले जन्म में तू कछुआ हो जा इतना संत साधु संतों का प्रेमी राजा वो अगले जन्म में जाकर दूसरे जन्म में जाकर के कछुआ हो गया और वही कछुआ अब पानी में रहता है एक दिन की बात है वही मेरे बंधु महात्मा आ गए देखा पानी कम है उस कछुए को क्षीर सागर में पहुंचा दिया अब कछुआ क्षीर सागर में रहने लगा क्षीर सागर में भगवान विष्णु हैं लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर चापती हैं शेष भगवान के सैया पर भगवान रहते हैं जैसे कछुआ भगवान विष्णु के पैर छूने जाता है क्योंकि पूर्व जन्म में ये साधु संतों का प्रेमी था
तो जल में कछुआ बना है लेकिन भगवान विष्णु के पैर छूने जाता है। उधर शेष भगवान वो फुंकार लगा रहे हैं, लक्ष्मी जी वो फटकार रही। जब कछुए का बहुत प्रेम देखा तो भगवान बोल पड़े, अरे दीन दयाल कमठ दुख जानी, दीन दयाल कमठ दुख जानी, तो बोले परम मनोहर बानी, दीन दयाल भगवान विष्णु ने कछुए का प्रेम देखा का, और कछुआ जा तो इस जन्म में मेरे पैर छूने को उत्सुक हो रहा, लेकिन लक्ष्मी जी तेरे पैर मुझे मेरे पैर तुझे नहीं छूने दे रहे हैं, नहीं छूने दे रही हैं। और ये शेष भगवान वो फूंका लगा रहे हैं, जाओ कछुआ अब हम तुमको वरदान दे रहे हैं, तुम अगले जन्म में अब कहां जन्म लो। अरे संग बेरा पूरा का छप जाई, श्रृंग बेर पुरक छप जाई, ओके वट बनहु मिलब हम आई, श्रृंग बेर पुरक छप, वही कछुआ जा करके केवट बना है, वही तो केवट कहता हम तुम्हारा प्रभु मर्म जानते हैं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोलो शंकर भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की।